नमस्कार, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार और अपनी सत्ता बचाने के लिए बहनों के सामने अपनी झोली फैलाकर अभय दान मांगते नजर आए। इस कार्यक्रम में करोड़ों रुपए खर्च किया गया। बसों के माध्यम से दूर दूर से लाडली बहनों को नवीन मंडी में कार्यक्रम स्थल पर लाया गया था। क्षेत्रीय विधायक श्रीमती लीना जैन ने क्षेत्र के लिए सौगात मांगी, तो वहीं मुख्यमंत्री ने कई भूमि पूजन और शिलान्यास किए। जब मुख्यमंत्री से मीडिया कर्मियों ने बात करना चाहिए तो वह नजरें चुराकर निकल गए। क्या चुनावी वर्ष में सत्ता जाने का डर सता रहा है, इसलिए मीडिया से नजरें नहीं मिला पा रहे या मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे? प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मीडिया कर्मियों से नजरें चुराकर निकल गए। मुख्यमंत्री, इससे तो यही लगता है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार डगमगा रही है। कार्यक्रम में खाली पड़ी रही कुर्सियां और मुख्यमंत्री देते रहे भाषण, कई लोग मुख्यमंत्री के भाषण के समय सोते हुए नजर आए। गंज बासोदा से संवाददाता ब्रजेश राठौर की रिपोर्ट। करती थी बढ़ के 1,40,000 रुपये, सिंचाई केवल 7.5 लाख हेक्टर थी, आज बढ़ा के 45 लाख हेक्टर की 65 लाख तक ले जा रहे। इनके समय टूटी फूटी सड़कें होती थी, बासोदा से फिर से जाना मुश्किल। 4 लाख किलोमीटर शानदार सड़कें हमने बनाई। इनके समय 2900 मेगावाट बिजली की उपलब्धता थी, हमने 28,000 मेगावाट बिजली बनाई। कृषि का उत्पादन 700 गुना बढ़ा है। प्रदेश समृद्धि और विकास की तरफ बढ़ाए, हमारा तो कमिटमेंट है। प्रदेश का विकास और जनता का कल्याण, और इनकी गारंटी है जनता को धोखा देने की पोस्टरों की, इनकी गारंटी है नौजवानों को छलने की गारंटी, इनकी गारंटी है बहनों का असम्मान करने की गारंटी, इनकी गारंटी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सुविधाएं छीनने की गारंटी। मैं 18 साल से लगातार काम कर रहा हूँ, मेरी जिंदगी एक कमिटमेंट है प्रदेश के विकास के लिए। अरे इनके समय प्रति व्यक्ति आय 11,000 रुपया हुआ। प्रवेश प्रारंभ होली आर्ट कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से टू 12 बेच बायो साइंस एंड कॉमर्स, फिर शिक्षित स्टाफ के साथ नियमित सांस्कृतिक एवं खेल गतिविधि। 144 अशोका कॉलोनी रॉयल मार्केट भोपाल।